तो फ्रेंड्स, लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज वो रेसिपी जो आपने शादी ब्याह में तो बहुत खाई है, लेकिन आज हमारे यहाँ ये बनती है करवा चौथ स्पेशल। इसी के आज हमारे यहाँ भोग चढ़ता है, प्रसाद का बनाया जाता है इसे। तो आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लिए मैंने 1.5 कप चावल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साबुत राइस है, ये बासमती राइस है। यहाँ पर ये बासमती राइस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और ये बहुत लाजवाब परफेक्ट बनता है। आप अगर ये ना लेना चाहते हो तो गोल्डन सेला भी ले सकते हैं या कोई और दूसरा बिरयानी वाला चावल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है। तो आपकी चॉइस है, आप चावल चाहे जो भी ले सकें जो आपके यहाँ बनता हो। तो सबसे पहले तो चावलों को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करके डीप करने रख दूंगी। ज़्यादा देर तक इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम इसे डीप करेंगे, लेकिन पहले मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब ये भीगता रहेगा, डीप रहेगा, तब तक ही हम आगे की तैयारी कर लेंगे। बस उतनी ही देर में तक इसे हम भिगो के रखेंगे। यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, तो आप देख सकते हैं मैंने काजू और बादाम लिए, और यहाँ पे 4 से 5 हरी इलायची और 6 से 7 लौंगे लिए, और यहाँ पे ये देख लीजिए कलरफुल मैंने चेरी लिए, तो इसका टूटी फ्रूटी का यूज़ करेंगे हम। और फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी बहुत शानदार होने वाली है। आपने शादियों में खाई होगी, लेकिन आज हमारे यहाँ ये इसका प्रसाद, मैंने आपको बताया कि करवा चौथ पे इसी का भोग चढ़ता है, तो प्रसाद के रूप में मैं बना रही हूँ। तो बहुत लाजवाब टेस्टी बनती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिफाइंड में अपने ये ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, बस कुछ सेकंड के लिए ही। देखिए ये फ्राई हो गए, अब आधा मैंने निकाल लिए ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए और आधा मैंने छोड़ दिया ड्राई फ्रूट को। और अब मैंने जो लौंग और हरी इलायची निकाल कर रखी हुई थी उसे भी ऐड कर दिया, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। हाँ जी फ्रेंड्स, पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। और यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, तो चीनी भी पानी छोड़ती है, और चीनी ली है मैंने यहाँ पे 2 कप, तो यहाँ पे 2 कप चीनी काफ़ी है। 1.5 कप मैंने राइस लिया है, उस हिसाब से ये 2 कप चीनी काफ़ी है, इनफ है। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में, अच्छी तरह से चीनी घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और चीनी भी पानी छोड़ती है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इतना ही पानी में हमारे राइस बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ ताकि केसर का अच्छा सा कलर आ जाए, और ये देख लीजिए थोड़ी देर उबलने के बाद हमारे केसर का कलर आ गया इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर। यहाँ पे ऑरेंज और रेड को मिक्स करके मैंने लिया है, बहुत अच्छा सा शेड बनेगा डार्क ऑरेंज का। तो आप देख लीजिए मैंने कलर ऐड कर दिया, और कलर को बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे ये राइस। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, चावल को ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारी ये चेरी टूटी फ्रूटी, पर इनको एक बार वॉश कर लेंगे, वॉश करके ही ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी रहती है, तो इसे एक बार वॉश करके ऐड करने से ना ये खिली खिली रहेगी, एक जगह चिप सिमट कर नहीं बैठेगी हमारे राइस में, तो धोकर वॉश करके ही इसका यूज़ करें। सीटी लगा लेंगे हम इसे, 2 सीटी के अंदर ही हमारे राइस बहुत परफेक्टली पक चुके हैं, तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। और कलर देख लीजिए, बिल्कुल शानदार लाजवाब जर्दे का कलर आया है, देख लीजिए, आपको कलर देख के पता चली गया होगा अब तो ये जर्दा बन रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा खोया इसमें ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा लाजवाब सा टेस्ट आएगा। शादियों में इसी तरह का जर्दा खाते हैं ना आप लोग, हमारे यहाँ आज करवा चौथ के दिन इसी की जर्दे की पूजा होती है, मतलब इसका भोग लगता है, तो इसे प्रसाद के रूप में बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा खोया मैं थोड़ा मोटा मोटा इसमें तोड़ के ऐड कर रही हूँ ताकि खाने में बहुत टेस्ट आता है। और देखिए फ्रेंड्स, लीजिए तैयार हो गया हमारा लाशानी लाजवाब जर्दा, और इसमें फिर से थोड़ा सा और खोया और जो हमने ड्राई फ्रूट निकाल के रखे हुए थे साइड में उसे सारा ऐड कर देंगे, गार्निश कर लेंगे।
बहुत शानदार सी लाजवाब सा हमारा ये जरदा बनकर तैयार हो गया। ज़्यादातर तो इसे बॉईल करके बनाया जाता है, बट मैंने बिना बॉईल किए ही इसे बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपको मेरा जरदा बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके बताना प्लीज़ फ्रेंड्स। ये देखिए, लाजवाब सा हमारा जरदा तैयार है। शादियों में भी बिल्कुल इसी तरह का बनाकर मिलता है बना हुआ हमें, और हम इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। घर में भी इसी तरह से बनाए, बहुत आसान ट्रिक से मैंने बनाया है, बिना बॉईल किए डायरेक्टली कुकर में बहुत परफेक्ट बनाए हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आपका भी ज़रदा इसी तरह से बहुत ही परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ज़रदा बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कर ज़रूर दिया कीजिए, इससे पता चल जाता है हमारी रेसिपी कैसी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आपका लाइक आपका डिसलाइक दोनों ही मैटर करता है, और आपका कमेंट तो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़कर अच्छी अच्छी रेसिपियाँ इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, इंजॉय द रेसिपी, थैंक यू।